हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पॉपकॉर्न, वो भी 3 अलग अलग फ्लेवर्स में, ताकि अगली बार जब भी आपको मूवी देखने का मन करे तो आप इसको बना पाए और मल्टीप्लेक्स का मज़ा घर ही पे ले पाए। जो 3 फ्लेवर्स हमने आज यूज़ किया है वो है कैरमल, मसाला एंड सॉल्टेड पॉपकॉर्न। तो शुरुआत करेंगे हम पॉपकॉर्न बनाने से। पॉपकॉर्न बनाने के लिए यहाँ लिया है कॉर्न कर्नल्स या पॉपकॉर्न कर्नल्स, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। कढ़ाई में लिया है थोड़ा बटर, थोड़ा ऑयल, ताकि बटर जले ना। इसको हम अच्छे से पिघला लेंगे और फिर अपने कॉर्न कर्नल्स इसमें ऐड कर देंगे। इसको कंटिन्यूस हमें चलाते रहना है ताकि हमारे कॉर्न्स अच्छे से रोस्ट हो जाए। और जैसे ही आपको 1-2 पॉपकॉर्न पॉप होते हुए दिखे तो आप चलाना बंद करके इसको ढक दीजिए और मीडियम फ्लेम में इसको पूरी तरीके से पॉप होने दीजिए। जैसे ही पॉपिंग साउंड बंद हो जाए, आपका पॉपकॉर्न तैयार है। गैस कर दीजिए बंद और ढक्कन खोल के अपने पॉपकॉर्न का मज़े लीजिए। तो शुरुआत करेंगे हम हमारे कैरमल पॉपकॉर्न से। कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा शुगर, इसको मेल्ट होने देंगे। हमें शुगर को कैरमलाइज करना है। थोड़ी देर में ये गोल्डन सी लिक्विड आपको दिखेगी। हमारा कैरमल अभी तैयार है। गैस करना है इस स्टेज पे बंद हमें, और इसमें ऐड करेंगे बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा मिक्स होते ही हमारा कैरमल बहुत ही लाइट एंड एरेटेड हो जाएगा। अब इसमें हमें अपने पॉपकॉर्न्स डालने हैं और इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है ताकि हर एक पॉपकॉर्न कैरमल को अच्छे से कोट कर ले। इस स्टेज पे गलती से भी इसको आप हाथ से छुइएगा मत, ये बहुत ही गर्म है। इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने दीजिए। एक बार वो ठंडा हो जाए तो हम इसको हाथ से अलग अलग कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से पॉपकॉर्न से बहुत ही अच्छा क्रंच आ जाता है और ये एग्जैक्टली मल्टीप्लेक्स के कैरमल पॉपकॉर्न्स की तरह आपको लगेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लेवर पे, मसाला पॉपकॉर्न। उसके लिए हमने कुछ पॉपकॉर्न ले लिए हैं और बस इसमें मैजिक मसाला मिलाएंगे। ये आपको वही ऑथेंटिक मल्टीप्लेक्स वाला मसाला पॉपकॉर्न का टेस्ट देगा। इसको अच्छे से मिला लीजिए और हमारा मसाला पॉपकॉर्न बनके रेडी है। ये सारे ही पॉपकॉर्न्स बहुत ही इजीली घर पे बन जाते हैं, पर मल्टीप्लेक्स में बहुत ही कॉस्टली मिलती है, तो अगली बार ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिए। मीन टाइम हम लोग अभी सॉल्टेड पॉपकॉर्न बना रहे हैं, जिसके लिए कुछ पॉपकॉर्न्स लिए हैं। इसमें हम अपनी चॉइस की सॉल्ट, ब्लैक या प्लेन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ब्लैक सॉल्ट पसंद है तो मैंने वही मिलाया है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूँकि हमने इसको बटर में बनाया था तो इसमें बटर का फ्लेवर ऑलरेडी मौजूद है। तो बस हमारा सॉल्टेड पॉपकॉर्न भी तैयार है। तो लीजिए, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स पॉपकॉर्न इन नो टाइम रेडी है। तो अगले बार इसको मूवी देखते हुए ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा कि आपको ये कैसी लगी।